कभी घर में फायरिंग, कभी फॉर्म हाउस तक घुसपैठ, कभी धमकी भरी चिट्ठी तो कभी व्हाट्सएप पर फिरौती का संदेश। सलमान खान की सुरक्षा पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिन बाद धमकी का एक मैसेज सीधे मुंबई पुलिस के नंबर पर भेजा गया। तय है कि सलमान के दुश्मन अब मुंबई पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर एक धमकी आई थी जिसमें लिखा गया था, इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। तो इस बीच सलमान खान ने बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार की शूटिंग जारी रखी। उन्होंने शो में कहा कि उन्हें इन विवादों के कारण शूट पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपने वादे के अनुसार वह यहाँ शो में हैं। शो में उन्होंने प्रतियोगी को उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए भी फटकार लगाई। इस समय सलमान खान को वाई प्लस सुरक्षा दी गई है और मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान आगे इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या सलमान खान इन धमकियों के बीच भी अपने काम को इसी तरह जारी रख पाएंगे? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।